हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और ब्रेकिंग न्यूज़ मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। और जो ये खबर है दोस्तों, एक बार आपको याद होगा कि हरियाणा पुलिस का पेपर लीक हुआ था बहुत अच्छे तरीके से, मतलब रेडियम पर बिकना शुरू हो चुका था वो पेपर। उसी से रिलेटेड दोस्तों एक खबर है, और पेपर लीक करने वाले के नाम का खुलासा हो चुका है। इन दलालों के संपर्क में था और ये बनाई थी योजना। जी हाँ दोस्तों, हरियाणा पुलिस भर्ती पर बड़ा खुलासा हो चुका है, जो लीक हुआ था पेपर और वो खबर आ चुकी है कौन था वो। और ये देखिए दोस्तों, CRPF कर्मी ने लीक किया था हरियाणा पुलिस कांस्टेबल भर्ती का पेपर। ये देख लीजिए दोस्तों, हमारे कर्मी भी ऐसे हैं। जम्मू में छपा था। जी हाँ दोस्तों, जम्मू कश्मीर सब इंस्पेक्टर भर्ती घोटाले में शामिल आरोपियों ने ही हरियाणा पुलिस भर्ती का पेपर भी लीक किया था। यह पेपर जम्मू में छपा था। इस पेपर के सारे शहर के गंग्याल स्थित CRPF की यूनिट में तैनात CRPF कर्मी ने लीक किया था। और यहीं CRPF कर्मी और उसका एक साथी BSF के कमांडेंट एवं मेडिकल अफसर करनैल सिंह CBI की गिरफ्त में है। दोस्तों आप सोच सकते हैं, अगर वो भर्ती पूरी हो गई होती, वो पेपर हो लिया होता सही तरीके से, तो आज तक ये दिन नहीं देखने पड़ते आपको। जो ये अब चल रहा है, हमें ज्वाइनिंग की इंतज़ार करना पड़ रहा है, ये सब इसी खबर की वजह से है। CBI की पूछताछ में खुलासा हुआ कि CRPF कर्मी हरियाणा मौजूद दलालों के साथ संपर्क में था। उनके साथ मिलकर पहले जम्मू में छपा हरियाणा पुलिस कांस्टेबल का पेपर लीक किया। इसके बाद दलालों के साथ मिलकर हरियाणा के करनाल में छपने वाला जम्मू कश्मीर पुलिस फाइनेंशियल अकाउंट असिस्टेंट JEE सिविल को लीक करने की योजना बनाई। इसके लिए BSF के कमांडेंट एवं मेडिकल अफसर करनैल सिंह, CRPF कर्मी और बाकी लोगों के बीच डील हुई थी। यही नहीं, इन लोगों ने पंचायत सहायक का पेपर भी लीक किया था, जबकि फॉरेस्टर के लिए होने वाली परीक्षा की भी डील कर ली थी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, ये तो हरियाणा पुलिस का पेपर था, लेकिन यहाँ तो बहुत सारे पेपर की योजना इन्होंने बनाई हुई थी, लीक होने पर रद्द किया कर दिया था पेपर। जी हाँ दोस्तों, बता दें कि हरियाणा पुलिस का पेपर व्हाट्सएप पर वायरल हो गया था, आप सभी को पता दोस्तों। ये पेपर है जो आपका इसी आदमी ने लीक किया था और जम्मू से पेपर लीक किया था। देख लीजिए दोस्तों, किस तरह व्हाट्सएप पर ये फैल गया था। सूत्रों का कहना है कि दलालों और नायल सिंह पुलिस CRPF कर्मियों SBS के अधिकारियों के बीच गैंग तभी बन गया जब इन्होंने हरियाणा पुलिस का कांस्टेबल का पेपर लीक किया था। जी हाँ दोस्तों, तभी से इनकी गैंग बन चुकी थी जब ये पेपर लीक हुआ था। तो एक बड़ी खबर थी, बड़ा खुलासा हुआ है इस नाम का, किसने पेपर लीक किया था और कैसे किया था, कब किया था और किसके थ्रू किया था, ये खबर आ चुकी है। और दोस्तों, ये पेपर अगर ठीक ढंग से हो जाता ना, ज़्यादा दिन देखने को मिल रहे हैं आपको, ये नहीं देखने पड़ते। धन्यवाद। जय जवाहर।